क्यों इंडिया क्यों नहीं बन सकता सुपर पावर? नहीं, इंडिया इंडिया नहीं बन सकता उसमें। इकोनॉमी आप देखेंगे 3.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, आने वाले टाइम के अंदर 5 ट्रिलियन की बनेगी। चाहे जितनी भी है उनकी, उनके पास इकोनॉमी, उनके अंदर के हालात जो है ना वो बिल्कुल तजब्द हैं, बिल्कुल बेकार हैं। जो हो रहा है ना इधर पाकिस्तानी मुसलमानों से भी ज्यादा खुश है। सबकी बहस में कितने मुसलमान शहीद हुए हैं यहाँ पर, जो हो रहा है आप इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? हम ये बताएं जी, जी, जी। यहाँ पे मुसलमान मुसलमान को काट रहे हैं, किस लिए? पैसों के लिए। ताकतवर है इस टाइम भी नहीं, हमारे दिलों में जो जो चीज है ना हमसे वो ताकतवर नहीं है, हमारा जज्बा जो है ना वो ऊपर है, वो ये सारा खाई जा रही। क्या मुकाबला कर सकते हैं उनका, जिनकी उनकी इकोनॉमी आप देखेंगे उनके पास जो रिजर्व है 600 बिलियन डॉलर्स के, उनकी अगर मैं आपको जीडीपी बताऊं 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी। बिल्कुल ऐसे, मैं थोड़ा सा मैं भी इतना जानता हूं, बिल्कुल ऐसे ही है भाई। काट दी जाएंगी शाखें हर तनावर पेड़ की, फसल ताज़ा अच्छे बीजों की जला दी जाएगी, खून पी लेगी मेरा एक दिन बलूगत की बला, मुझको मेरी होशमंदी की सजा दी जाएगी। एलिमेंट पे इतने आगे चले गए हैं तो क्या हमारे ये हालात कैसे ठीक होंगे? क्या हम उनके मुकाबला में खड़े हो सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं उनके साथ? हाँ जी, क्यों नहीं कर सकते? नंबर पे अंदाजा लगा, अब भी ताकतवर है उनसे? हाँ जी, इंशाल्लाह ताकतवर रहेंगे, होंगे। जब तक हम अपने निजाम को तब्दील नहीं करेंगे सर, इस्लाम को बीच में ना लाया करें, इस्लाम को बीच। कैसा गुजारा चल रहा है यहाँ पे? बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट हो गया, बहुत मुश्किल। गरीब बंदा तो मर गया ना, उसकी कमर टूट गई उसकी, वो खाए पिए क्या करे, ये बिल दे, पेट्रोल ही देख रहे हैं रात का कितना पड़ गया है, 350 रुपये लीटर हो गया, 350 लीटर हो गया। वो देखे खाने पीने की चीज़ें कहाँ चली गई हैं सर। एक तरफ यहाँ हमारा ये हाल है तो दूसरी तरफ अभी तुर्की के मीडिया ने ये अनाउंसमेंट की, अपने मीडिया से एक रिपोर्ट जारी की है, बताया कि आने वाले टाइम के अंदर आपका पड़ोसी, हमारा पड़ोसी हिंदुस्तान सुपर पावर बनेगा आने वाले टाइम के अंदर। तुर्की ये डिक्लेयर कर रहा है, वो बता रहा है कि जिस तरह से उनकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, जिस तरह से वो अपने आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, जिस तरह से पेट्रोल उनका 90 रुपये है, पाकिस्तान के अंदर 350 रुपये है, उनकी जो खाली आईटी एक्सपोर्ट भी वो 320 बिलियन डॉलर्स की है। आप मुझे बताएं कि जहां पर वो इतने डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इतनी तरक्की कर रहा है, दुनिया की मीडिया बता रही है कि भाई वो सुपर पावर बनेगा, क्या कहना चाहेंगे? वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं भाई? वो तो अपनी हुकूमत की तरफ जा रहे हैं, हम भी अपनी हुकूमत की तरफ नीचे की तरफ जा रहे हैं, और हम कहाँ जाएंगे? अब हमें भी तरक्की मिल रही है ना, पहले आटा कितना था, घी कितना था, अब हम कहाँ जा रहे हैं? वो तो जाएंगे ना ऊपर, वो अब क्या कर सकते, वो हमसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, वो हमसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, और क्या करेंगे? हमारे हुक्मरान ही अल्लाह खैर करे, क्या कह सकते हैं अब उनके बारे में, अल्लाह ही बेहतर कर दे सकता है उनके लिए। वो हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं इस टाइम भी? नहीं, हमारे दिलों में जो जो चीज़ है ना हमसे वो ताकतवर नहीं है, हमारा जज्बा जो है ना वो ऊपर है, वो जज्बे से रोटी खा सकते हैं? नहीं, रोटी तो नहीं खा सकते, वो तो अल्लाह ताला ही मुल्क चला रहा है। ये सर क्या लगता है कि जज्बा हमारे में इतना ज़्यादा होता तो क्या वो जज्बा हम तालीम में यूज़ ना कर लेते? क्या हम वो जज्बा पेट्रोल की कीमत कम करने में ना लगा देते? क्या वही पेट्रोल की, क्या हमारे जज्बे को हम एजुकेशन में ना लगा लेते? हम इसीलिए तो दीन दुनिया से दूर है ना, पढ़ाई से दूर हैं, दीन दुनिया से, हम जब दीन से दूर होंगे तो फिर यही कुछ होगा ना। अल्लाह ताला दिलों के ऊपर मोर लगा देता है, जितना मर्जी करेंगे तो आपको अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं होगी। क्या कहना चाहेंगे अंकल आप, क्या हिंदुस्तान हमसे ज्यादा ताकतवर है? उसके हुक्मरान अपने मुल्क से वफादार हैं। अच्छा, जबरदस्त बात की आपने। क्या लगता है कि हमारे वो हुक्मरान मुल्क से वफादार कब होंगे? हमारे हुक्मरान जो है वो नजर कुछ और आते हैं, हकीकत में हुक्मरान कुछ और लोग होते हैं। क्या यही निजाम चलता रहा तो कोई भी मुल्क तरक्की कर सकता? जिन मुल्कों में हकीकी जमहूरियत मौजूद है वो ममालिक तरक्की कर रहे हैं। कौन कौन से मुल्क? जहाँ भी जमहूरियत है और जहाँ आमरियत होगी वो डिक्टेटरशिप होगी, फरिश्ते हुकूमत करेंगे तो वहाँ वैसे ही होगा। सर आज तुर्की के मीडिया ने भी अनाउंसमेंट कर दी कि हिंदुस्तान आने वाले चंद टाइम के अंदर वो सुपर पावर बन जाएगा। तुर्की बरादर इस्लामी मुल्क है, क्या समझते हैं कि उसके ये बयान से आप एग्री करते हैं? यस, तुर्की के अवाम ने अपनी डिक्टेटरशिप से जंग लड़ी है और जंग जीती है। अच्छा। इसलिए तुर्की हुकूमत तरक्की कर रहा है और ये अनाउंस कर रहा है कि हम जवाल पजीर हैं, क्योंकि मिलिट्री डिक्टेटरशिप हम पे हुक्मरानी कर रही है। तुर्की ऐलान किया कि हिंदुस्तान बनेगा, तुर्की ने ये अनाउंसमेंट किया, अनाउंस किया, हकीकत बयान की है, हकीकत बयान की है। क्या हमें भी हकीकत पसंद हो जाना चाहिए? हकीकत पसंद होकर क्या हमें आस पड़ोस के मुल्कों के साथ रिलेशन बेहतर करने का टाइम आया कि नहीं आया?
असल में हमारे मुल्क में दो तीन अदारे मुकद्दस हैं जिनके खिलाफ बात नहीं की जा सकती, वो उसमें मिलिट्री है, फौज है, आर्मी है, अदलिया है, पार्लियामेंट है, इन सब को पालने वाले बेतौकीर हैं, ये मुकद्दस हैं, हम गैर मुकद्दस हैं। क्या हम वो बादशाह, वो मालिक और हम गुलाम हैं कौन सारी? यहाँ पे जितने भी कानून राज हैं वो अंग्रेज़ के बनाए हुए हैं, वो हम पे हाकम आए थे, उन्होंने अपनी एस्टेब्लिशमेंट को जितना स्ट्रॉन्ग करना था वही स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट हम पे मुसल्लत है, हम महकूम हैं, वो हाकम है, यही फ़र्क है। आज हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क हर एक सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट की डेवलपमेंट पे हर एक चीज़ को आप देखेंगे, आईटी एक्सपोर्ट करके $320 बिलियन कमाता है, एप्पल वहाँ पर है, हर मुल्क के अंदर सीईओस इंडियन लगे हुए हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के। सर उनके तरक्की के पीछे का क्या राज है? क्या हम भी उनके जैसे तरक्की कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर? यहाँ पर तो हम मानते नहीं कि हमें जज्बा बढ़ा, हम उनसे कई गुना आगे हैं, क्या हकीकती तौर पर हम उनसे आगे हैं? मैंने पहले अर्ज़ किया है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान ने फिल फौर जागीरदारी निज़ाम के खात्मे का ऐलान किया, इसी तरह से उन तमाम तर जागीरदार हमारे पाकिस्तान में आ गए हैं। और मैंने पहले अर्ज़ किया है कि हमारे यहाँ जो ज़हीन लोग हैं, समझा जाता है कि ये कौम को आगे ले जा सकते हैं, उनकी टांगें खींच दी जाती हैं, उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, अदालती कत्ल भी होता है, धमाकों से भी उड़ाया जाता है। जी बिल्कुल सही सर, आज मुस्लिम जितने भी कंट्रीज़ हैं आप देखेंगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर जितने भी मिडिल ईस्ट, सारी मिडिल ईस्ट ने आज जो कश्मीर है, कश्मीर को भी इंडिया का डिक्लेयर करके एक मैप जारी कर दिया है, पूरी दुनिया आज पाकिस्तान भी हैरान है कि तुर्की तो बरादर मुल्क है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? काट दी जाएंगी शाखें हर तनावर पेड़ की, फसल ताज़ा अच्छे बीजों की जला दी जाएगी, खून पीलेगी मेरा एक दिन बलूगत की बला, मुझको मेरी होशमंदी की सजा दी जाएगी। ज़बरदस्त हो गया सर, आपने तो क्या बयान किया शेर में। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारा ये भी भरम टूटता जा रहा है कि भाई हम इस्लाम के किला, पाकिस्तान से दुनिया के फैसले, मुसलमान मुल्कों के फैसले होंगे, तो सर ये भरम हमारा टूटता जा रहा है, तो क्या हम अपने पर ध्यान नहीं कर रहे, तो क्या मुस्लिम कंट्री मिलकर हमें बचाएगी? जब तक हमारे मुल्क के अंदर गैर मुल्की गुमाश्ते मौजूद हैं हम जवाल की तरफ चले जाएंगे। असल में होता ये है कि हम पे जो हुकुमरान, हकीकी हुकुमरान मौजूद हैं वो पाकिस्तानी नहीं हैं, ये अलमिया है। बाहर जो मुल्क जो छोड़कर बाहर जा रहे हैं इस टाइम तकरीबन आप देखेंगे 25 लाख से ज़्यादा नौजवान इस मुल्क का सरमाया मुल्क छोड़कर बाहर जा रहा है, और यहाँ पर हमें बोर्ड पर बैनर पर लिखकर दिया जा रहा है कि ये वतन तुम्हारा है, तुम्हें पास बाँ इसके, ये वतन हमारा रह चुका अभी, ये फरेब है, फरेब दिया जा रहा है, ये उन्हीं का मुल्क है जिनके असासे बाहर हैं, ये उन्हीं का मुल्क है जो रिटायर होकर बाहर चले जाते हैं, वो जजेस हों, वो जर्नैल हों, वो सियासतदान हों, और मजबूर मकहूर आवाम जो इनकी जेबें भरती है, इनको लिबास मुहैया करती है, इनको जूते मुहैया करती है, इनको असलाह मुहैया करती है, इनकी पेंशनें देती है, इनके बच्चों की तालीम और सिक्योरिटी का बंदोबस्त करती है, वो बेतौकीर और बेइज्जत वो लोग यहीं रह जाते हैं, एड़ियां रगड़ कर यहीं मर जाएंगे। तो क्या लगता है कि अभी आपको मसले सारे कैसे हल होंगे? आप बताएं कि चाइना के अलावा हमारे रिलेशन, पाकिस्तान के रिलेशन कौन से मुल्क के साथ बेहतर किए हैं हमने? आज तक अफगानिस्तान वो हमारे अगेंस्ट, बांग्लादेश हमारे अगेंस्ट, ईरान हमारे अगेंस्ट, हर कोई हमारे अगेंस्ट, हम क्या करना चाह रहे हैं सबसे बिगाड़ के? हम अमेरिका के कहने पे चल रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, कभी उस बदनामी का दाग नवाज शरीफ के माथे पे लगता है और कभी उस बदनामी का सेहरा जो है वो इमरान खान के माथे पे बांधा जाता है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बड़ा ही मज़ा आया, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? इम्तियाज सर। क्या करते हैं? पेंट का काम। पेंट का काम करते हैं, ज़बरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस ये है कि अभी हैरानकुन एक खबर निकल कर आ रही है तुर्की की मीडिया के अंदर से। सर तुर्की ने डिक्लेयर कर दिया, तुर्की की मीडिया ने बता दिया कि आने वाले टाइम के अंदर चाइना सुपर पावर नहीं बनेगा, आने वाले टाइम के अंदर जो सुपर पावर होगी एशिया के अंदर वो इंडिया होगी। क्या इतफाक करते हैं इस बात से? जी बिल्कुल, मैं इसी ये हकीकत है, यही बात है, क्योंकि बिल्कुल आने वाले दिनों में ये इंडिया जो वो बहुत आगे जा रहा है और हमारे लिए शर्म की बात है, क्योंकि हम कुछ नहीं, हमें इंडिया से सीख लेना चाहिए कम से कम। हमारे हमसाए बैठा है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया,
हम अब भी इधर माशाल्लाह जो जो हालात हमारे जो हम कर रहे हैं, औरतों को उठा रहे हैं, बच्चों को उठा रहे हैं, खाना क्या क्या मैं कहूँ, आप जो हम पे हुकूमत करने वाले वो खुद अयाशियाँ बाहर जाके करते हैं, लंदन बैठा हुआ कोई कहाँ बैठा हुआ है, हमारे जर्नैल करनैल सारे जो जो भी बड़ा होता है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है और गरीब जो गरीब तर होता जा रहा है वो तरक्की में दुनिया में पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हम यहाँ पर दुश्मनियों से नफरतों में बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। तो क्या लगता है कि आपको क्या इंडिया हमारे वाकई में ही दुश्मन है जो कि हमें बताया? इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, ये झूठ तो हमारा दुश्मन कौन है जो कि हम डेवलपमेंट हमारा दुश्मन सबसे बड़ा हमारी ये जो हमारी अपनी एस्टेब्लिशमेंट ये वो जो सियासतदान ये हमारे दुश्मन है, हमारे दुश्मन वो इंडिया वाले बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। ये जूड़ का आ जाता है। ये तो हमें बताते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, उनके खिलाफ हमने जंगे तैयार करनी है, 85% हम दे रहे हैं डिफेंस पे। नहीं ये सारा झूठ है, वो सिर्फ खाने का बहाना है, सिर्फ वो खा रहे हैं हमें लूट के सारा पैसा हमारा, वो ये अदलिया सारा खाई जा रही है। क्या मुकाबला कर सकते हैं उनका, जिनकी उनकी इकोनॉमी आप देखेंगे उनके पास जो रिजर्व है $600 बिलियन के, उनकी अगर मैं आपको GDP बताऊं $3.8 trillion की बिल्कुल ऐसे, मैं थोड़ा सा मैं भी इतना जानता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है भाई। वो हमें अल्लाह पाक कोई हमें ऐसा कोई नेक आदमी दे देगा तो शायद हम भी उनके बराबर खड़े हो जाएं। उनकी तरक्की करने का लग नहीं रहा, ईमानदारी इंसाफ उधर। हम तो कहते हैं मुसलमान हम तो इंसाफ कर नाम के मुसलमान है भाई, कहाँ मुसलमान, हमने तो ये बस सिर्फ जन्नत का ठेका लिया हुआ हमने कि हम मुसलमान हैं, हम पक्के जनती हैं। बड़ा जो है ना वो हथियार है हमारा ईमान ही है। अच्छा। लेकिन वो भी हमारे से निकलता जा रहा था क्योंकि हम हर चीज़ में बेईमानी करते हैं, हर चीज़ में हमें वो जज्बा जो है ना वो निकलता जा रहा है। मुसलमान का तो भाई तो है लेकिन आज के दौर में यही भाई एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। सर दूसरे बाहर के मुल्कों में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे पाकिस्तानियों से बात होती है जो बाहर रहते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तानी को काट रहा लेकिन हिंदुस्तानी का भाई बनता है। यही बात है ना, वो इंसानियत के तहत कहते हैं, हम तो मजहब इतना अफजल तरीन मजहब है, वो किसी ने सोचा ना कि असलम सबसे आगे निकल गए भाई, वो हमसे आगे निकल गए यकीन करें, हालांकि उनका अल्लाह पे ईमान नहीं है, हमारे नबी को वो मानते नहीं है, फिर भी देखें जो जो काम हमने करने थे वो कर रहे हैं। अल्लाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुसलमान हैं, आप अल्लाह को इससे फर्क पड़ता है कि आप कितने ईमानदार हैं, आप कितने वादे के पक्के हैं। हकूकुल इबाद अल्लाह की जात ने सबसे ज्यादा जोर हकूकुल इबाद पे दिया हुआ है। सर्च के मुताबिक इस्लाम सबसे अजीम मजहब है लेकिन क्या करें, इस्लाम वाले नहीं अजीम, जो इस्लाम के मानने वाले साल है देखने, अगर ये बात होती ना कुरान मजीद खोले देखें, अल्लाह ने जितनी भी कौमों पे अजाब आया है वो ये नहीं कि वो रोज़ा नहीं रखते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे, नहीं, वो हकूकुल इबाद की वजह से आए, इंसानों की हकूक की वजह से उन पे। आप मुझे बताएं कि हम क्या यहाँ पर इंसानों को हकूक दे रहे हैं? नहीं इधर बिल्कुल हमें, आप इंसानों को तो छोड़ें, क्या मुसलमानों को मुसलमानों के हकूक में? इधर तो इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है भाई, इधर तो इंसानियत का पता ही नहीं है यार, इधर इंसानियत कहाँ है? आप मुझे बताएं, आप एक बात का जवाब देंगे माइंड किए बगैर, माइंड के बगैर एक बात का जवाब दें, गवर्नमेंट से टक्कर कौन ले सकता है इस वक्त? गरीब बंदा एक दिहाड़ी लगती है, बाल बच्चों में क्या कमाए क्या खाए, अगर गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हैं तो पुलिस आ जाती है, पुलिस आ जाती है लाठी चार्ज होता है, भागना पड़ता है, गरीब बंदा मजदूर बंदा कहाँ, कौन सी ये जंगल का कानून है? बिल्कुल पाकिस्तान में जंगल का कानून चल रहा है, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह, उम्मीद नहीं बल्कि उम्मीद अल्लाह पे नहीं, यकीन होना चाहिए, उम्मीद नहीं भाई यकीन होना चाहिए, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। पर यकीन के साथ इंसान को अपने अपनी हरकत अपने अमाल भी ठीक करने पड़ेंगे, हमें उस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी कि आने वाले टाइम के अंदर हम डेवलपमेंट की तरफ करें, बिल्कुल जाना चाहिए हमें इस तरफ सोचना। जनरेशन ने पूछे कितनी तालीम महंगी है तो कैसे पढ़ रहे हैं, ये पूछे इन्हें, नई जनरेशन सारी तो छोड़ के मुल्क जा रही है, 25 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी तो बिल्कुल जिन्होंने पाकिस्तान चलाना है वो तो बाहर जा रहे हैं, इधर तो हम कचरा रह गए, ये मजदूर आदमी हम इधर बैठे हुए। अगर पुलिस तनख्वाह ले रही है वो हमारी टैक्सों में से जा रही है, बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, कौन भर रहे, किन किन लोगों में से निकल रहे हैं, मजदूर बंदा दिहाड़ी लेके जाता है 1500, 1000, 1200 रुपया, 1200 में वो क्या अपना घर चला सकते हैं? आज के दौर में लोग अगर चोर ना बने, डकैतियां ना करें तो कहां से खाएंगे? किसी निज़ाम में हम चले जाएं, इंसाफ के निज़ाम में चले जाएं, हम पुलिस स्टेशन चले जाएं, यकीन करें जिधर जाएं वो समझ लें कि गंद ही गंद है हमारे में। जहाँ पर इंसाफ ना हो वो माशरा तरक्की करता या आगे सर्वाइव कर सकता? तबाह हो जाता है वो माशरा बर्बाद हो जाता है। नौजवान होते तो हम भी बाहर चले जाते हैं, हम तो पिछली उम्र का ही समय है ताकि हमारी कब्रें ना खराब हों।
मैं अपनी जाति अपने बीती बात आपको बताता हूँ। 4 महीने खजल खराब होने के बाद अदालतों में अपनी 4 मरले जगह नहीं ले सका। जिम्मेदार लोग हैं वो मेरी जगह सब जमीन पर कब्जा किया हुआ है, मैं वो नहीं ले सका। अदालतों में मुझे उन्होंने झूठा कर दिया वकीलों के जरिए। मेरे पास इतना पैसा नहीं था जो मैं पैसा दे सकता। कितने की जगह थी मेरी इस टाइम? वो जगह ऐसे रोड के ऊपर है। कितने की मालियत कितनी की? 40 लाख की मेरी मालियत की जगह है। हड़प गए? हड़प गए, आगे आगे। ओए होए गाइस, आप देख सकते हैं, गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे मुल्क के कानून का ये हालात है कि अंकल बता रहे हैं कि 4 महीने 40 लाख का प्लॉट हड़प करके हमारा ये निज़ाम है। क्या जिस मुल्क के अंदर कानून ना हो क्या वो मुल्क डेवलपमेंट की तरफ जा सकता है? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते कि तुर्की की मीडिया ने कहा कि आने वाले टाइम के अंदर जो सुपर पावर बनेगा वो हिंदुस्तान बनेगा, इस बात से आप एग्री करते हैं या नहीं करते? पीआई का पेंशनर हूँ तो हमारी अब 10,000 हुई है तो हम क्या खाएंगे, जबकि 5,000-6,000 में आटा हुआ है। क्या हम बत्ती का बिल कहाँ से देंगे, वो साबुन नहाने वाले कहाँ से लेंगे, कब्र का हम खर्चा बड़ों के जाने हैं, क्या फूल नहीं आते? हिंदुस्तान तरक्की कर गया हमसे, क्या हमसे वो ज्यादा ताकतवर? तो मेरा आपके चैनल से क्या वो हमसे ज्यादा ताकतवर हो गया अभी के नहीं? हिंदुस्तान नहीं, कभी भी नहीं होता। दीन के मामले हम नहीं हो सकते उनसे। अच्छा, वो आज अगर दीन के मामले को थोड़ा साइड पे रखें, मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा वहाँ पर है। कहाँ पर है? 40 करोड़ से 45 करोड़। उन पर भी जुल्म ही हो रहे हैं ना, उन पर जुल्म नहीं मेरा नहीं कह रहे जुल्म। और मुझे आप बताएं, मुझे आप बताएं यहाँ पर जो हो रहा है जुल्म हो रहा है ना, इधर पाकिस्तानी मुसलमानों से भी ज्यादा खुश है। मैंने सब की बेस में कितने मुसलमान शहीद हुए हैं यहाँ पर जो हो रहा है, आप इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? हम ये बताएं जी, यहाँ पे मुसलमान को काट रहे किस लिए? पैसों के लिए। अमीर जो है ये तो बात सही है, लेकिन मुसलमान है गैर मुस्लिम, उन्हें इंसाफ मिलता है यार? बराबरी के हकूक इधर नहीं है? डर के मारे 10,000 रुपये बंदा जेब में नहीं लेके फिर सकता कि कहीं यार कोई जेब ना काट साहब। माशाल्लाह, क्या मैं उनके बारे में कहूँ? जैसे खाना काबा का गलाफ पहना होता है ऐसे उन्होंने लिबास में। इंसाफ के मामले में हम नीचे से सब दूसरे नंबर पे हैं। अंदाजा अभी ताकतवर है उनसे? हाँ जी, इंशाल्लाह ताकतवर रहेंगे, होंगे। जब तक हम अपने निज़ाम को तब्दील नहीं करेंगे सर, इस्लाम को बीच में ना लाया करें, इस्लाम मेरी बात सुने, जो निज़ाम को चेंज इस्लाम दिल के अंदर होना चाहिए। आप मुझे बताएं, हर मामलात के अंदर हम इस्लाम को ले आते हैं यहाँ पर? नहीं ना, यही मैं भाई मैंने पहले भी आपको ये मिसाल दी थी कि अल्लाह कुरान मजीद की मिसाल दी मैंने कि अल्लाह ने जितने भी अजाब कौमों पे आए हैं वो किस वजह से आए हैं यार? इंसाफी की वजह से तो नहीं आए यार, एक भी उठा के दे ले कोई रोजानी इंसाफी की वजह से आपको बात की वजह से आए यार? हमारा जस्टिस हमारे जस्टिस निज़ाम पता कितने नंबर पर है? 140वें नंबर पर जस्टिस निज़ाम है हमारा। जो हम अपने आप को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बोलते हैं यार, आप बताएं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इंसाफ 140 नंबर पर? जस्टिस जो होता है ना, जस्टिस वो हमारी नजर में दीन से शुरू होता है, दीन पे खत्म होता है। इनको फॉलो करना करे तो सही, जो इंसाफ चेंज करने वाले होता है हमारा सियासी किसी बात नहीं आएगा वास्ता, लेकिन ये कहता है जो निज़ाम चेंज करने वाला होता है उसे जेलों में डाल देते हैं। ये क्या हुआ? पैसा है ना वो उसके लिए जो दुनिया, मैंने कहा ये दीन वाला मामला जो साइड पे हम बाकी दुनिया का मुकाबला करें यार चीजों में, वो बहुत टेक्नोलॉजी में आज हिंदुस्तान दुनिया को बीट कर रहा है। चांद पर चला गया वो चांद पर, वो आईटी में आईटी इंडस्ट्री में इतने कमाता जितना सऊदी अरेबिया अपना तेल बेचकर कमाता। बड़े टिड्डों वाले जो है ना उनकी 1.5-2 लाख पेंशन है, तो हमारी अभी 10,000 में हमारी भी 30-40,000 कर रहे हैं ना यूबीआई पेंशन। इंसान हम खुद करेंगे, जब हम टेक्नोलॉजी में काम करेंगे, एजुकेशन बच्चों को अच्छी देंगे तो हमारे निज़ाम खुद बदलेगा। अल्लाह आपको ताकत और हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया। हमारे मुल्क में निज़ाम ठीक नहीं होगा। अल्लाह हाफिज़ कुछ ठीक नहीं होगा। बहुत अच्छा लगा अंकल आपसे बात करके। तुम आपका? चौधरी अब्दुल वहीद। क्या करते हैं? वकालत। जबरदस्त हो गया सर, बात करने का पर्पस आपसे ये है, अभी एक न्यूज़ आई है बहुत बड़ी न्यूज़, जिसके मुताबिक न्यूज़ आई है टर्की से, टर्की ने कहा है कि आने वाले टाइम के अंदर जो सुपर पावर बनने जा रहा है वो इंडिया होगा, चाइना भी नहीं होगा, अमेरिका के बाद अब इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है। आप क्या समझते हैं तुर्की की इस न्यूज़ में कितनी अथेंटिसिटी है, क्या इसको अथेंटिक मानते हैं न्यूज़ को आप? मुझे नहीं लगता कि ये न्यूज़ वैलिड हो, क्योंकि इंडिया का हिसाब कुछ और है। क्यों इंडिया क्यों नहीं बन सकता सुपर पावर?
नहीं, इंडिया इंडिया नहीं बन सकता उसमें। इकोन८मी आप देखेंगे 3.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, आने वाले टाइम के अंदर 5 ट्रिलियन की बनेगी। चाहे जितनी भी है उनकी, उनके पास इकोनॉमी, उनके अंदर के हालात जो है ना वो बिल्कुल तजब्द हैं, बिल्कुल बेकार हैं। उनके उनकी सड़कों पे लोग, आवाम जो है ना वो सड़कों पे सो रही होती है। वे ये मैं नहीं मानता ये सर। उनके अगर आप देखेंगे उनके मुल्क के अंदर एप्पल स्टोर है, उनके मुल्क के अंदर G20 की मीटिंग होती है, 10-20 बड़े मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वहाँ पर जाते हैं और तारीफें करते हैं, पूरी दुनिया उनके साथ अटैच होकर उनके साथ बिजनेस करना चाहती है। उनके एक्सपोर्ट अगर देखेंगे, अगर उनके सिर्फ आप आईटी में ही देखेंगे, आईटी एक्सपोर्ट पता कितना उनका, 320 ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी खाली आईटी एक्सपोर्ट है। तो क्या ऐसा मुल्क जो इतने डेवलपमेंट, इतनी तरक्की कर गया, अपने आप को चेंज करता गया टाइम टू टाइम, तो वो बन नहीं सकता? जितनी भी उनके पास जो ना इकोनॉमी है, लेकिन वो अगर हम ये कहें ना कि वो सुपर पावर बन जाएगा, ये मैं नहीं मानने वाला। सुपर पावर की डेफिनेशन क्या होती है, थोड़ा बताएंगे हमारे ऑडियंस को? हाँ जी, उसमें ये होता है कि पूरे वर्ल्ड में वो जो मुल्क होता है वो हर एक को ना वो आंखें दिखा सकता है। अच्छा। वो हर एक को, एक तो वो किसी को फैजियाब भी कर सकता है और किसी को छीन भी सकता है, यानी कि उसे अपना जो ना वो सिस्टम भी निकाल सकता है जी। ये मैं नहीं मानता कि ये उनके पास ऐसी ताकत होगी। सर खाली आईटी की बात कर रहा हूँ आपको, 320 बिलियन डॉलर्स की खाली एक्सपोर्ट है उनकी, पूरी दुनिया के अंदर बड़े इस टाइम 14 से 15 मुल्कों के अंदर जितने भी बड़े सीईओज हैं वो इंडियन हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के सॉफ्टवेयर कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं, वो इतने डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हम खाने की जंग में लगे हुए हैं, यहाँ पर आज की रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये सवाल है हमारा। वो डेवलपमेंट पे इतने आगे चले गए हैं, तो क्या हमारे ये हालात कैसे ठीक होंगे? क्या हम उनके मुकाबला में खड़े हो सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं उनके साथ? हाँ जी, क्यों नहीं कर सकते। हमारे ये हालात तब ठीक होंगे जब हमारे जो जितने भी ये हमारे सियासतदान आए हैं उनसे जो पैसा इन्होंने हमारे पाकिस्तानी अवाम का इन्होंने छीना है, जो इन्होंने मराहत ली हैं उनसे वापस ली जाए सबसे। मैं नहीं कहता ये एक से, तमाम के तमाम से ये वापस ली जाए मराहत, क्योंकि इन्होंने ये छीनी है, ये पाकिस्तानी अवाम का ये रुपया है और ये गवर्नमेंट का रुपया है। अवाम, गवर्नमेंट और अवाम एक कुछ ही होती हैं, ये उनका रुपया है, ये इन्होंने छीना है और इनसे वापस लिया जाए। जब ये वापस लेंगे तो एक दिन में हमारा जो है ना ये, हम अगर 197 पे है ना नंबर पे, तो हम ये इंशाल्लाह ताला टॉप 10 में होंगे। अच्छा, पैसे वापस लेके आएंगे? वापस ले आएंगे। आप मुझे बताइएगा, पॉलिसीज हमारी बेहतर हैं या फिर अफगानिस्तान की बेहतर है या बांग्लादेश की बेहतर है? पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो हमारे पॉलिसी मेकिंग सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हमारी पॉलिसी सही नहीं हो रही ना। आप ये देखें, ये क्या पॉलिसी है कि 15 दिन के अंदर अंदर पेट्रोल या 55 रुपीज़ जो है ना वो बढ़ गया। ये कोई पॉलिसी नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ आवाम का गला घूंट रहे हैं। और उसी बरक्स आप देखेंगे बांग्लादेश के अंदर देख लें, इंडिया के अंदर देख लें, आप अफगानिस्तान के अंदर देख लें, वहाँ पर अफगानिस्तान की करेंसी भी पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, हिंदुस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। वहाँ पर हिंदुस्तान में भी देखेंगे 90 रुपये आपको लीटर पेट्रोल मिल जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे 350। क्या जुल्म नहीं है वहाँ पर? ये बहुत बड़ा जुल्म है। और ये दूसरा जुल्म ये कर रहे हैं कि हर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद बिजली के रेट जो ना रिवाइज़ करते रहते, अप करते रहते हैं। रिवाइज़ का मतलब ये अप करते रहते हैं, जिससे भी हर चीज़ महंगी होती है, बिजली से महंगी होती है, पेट्रोल से महंगी होती है। ये सारा का सारा जुल्म जो ना अवाम ये झील रही है। अवाम और हुकूमत एक चीज़ें हैं। ये अवाम को चाहिए कि ये जो है इसको बर्दाश्त करना बंद कर दें, वरना ये उनके गले भी दबा देंगे। सर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अपने हालात ये हैं, और क्या वो इंडिया जहाँ पर अपनी आवाम को इतनी फैसिलिटीज़ दे रहा है, जहाँ पर वो पूरी दुनिया का इस टाइम एक्सपोर्टिंग हब बना हुआ है, हर चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, आईफोन देख लें आप, हर चीज़, किसी भी चीज़ का नाम लेंगे, मर्सिडीज़ तक, BMW तक, हर चीज़ वहाँ पर मैन्युफैक्चर होकर बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो। तो सर ऐसी कंट्री क्यों नहीं सुपर पावर बन सकती जहाँ पर वो अवाम के इतना फ़ायदा सोच रहे हैं, अवाम के लिए सोच रहे हैं उनकी गवर्नमेंट, तो हम क्या कर रहे हैं?
हम सिर्फ एक दूसरे से छीन रहे हैं। तो क्या इतना सब कुछ होने के बाद वो नहीं बन सकते सुपर पावर? मुझे नहीं समझ आती वो क्या सूरतें बनाएंगे, लेकिन ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो सूरत चल रही है ना वो इंतहाई नाकस है और बिल्कुल बेकार।